भेद होता है। तीसरी सी, स्वभाव भले ही अलग हो परिवार एक रहे। आपने कभी नोटिस किया है भगवान शिव के परिवार में स्वभाव, वाहन और पहचान सभी की अलग अलग है। शिव का वाहन नंदी, गले में सर्प, पार्वती का वाहन शेर, गणेश का वाहन चूहा और कार्तिकेय का मोर। ये चारों के वाहन आपस में शत्रु माने जाते हैं, लेकिन जब शिव के परिवार में होते हैं तो सभी मिलजुल कर रहते हैं। ये सिखाता है कि भले ही पारिवारिक सदस्यों में कितनी ही मतभेद क्यों ना हो, प्रेम की कड़ी से वो जुड़े रहें। चौथी सी, अपने अधिकारों और शक्तियों से बच्चों को दूर रखें। कहानी तब की है जब तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। तारकासुर ने देवताओं पर काफी अत्याचार किए थे और उसे वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उसे मार सकती है। कार्तिकेय ने भगवान शिव की सहायता से तारकासुर को मारा। तब कुछ देवताओं ने ये प्रस्ताव रखा कि इंद्र के जगह कार्तिकेय को देवताओं का राजा बना दिया जाए। भगवान शिव ऐसा करने में सक्षम भी थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। किसी एक को पद से हटाकर मैं अपनी शक्ति से अपने बेटे को राजा नहीं बना सकता, वो अपनी योग्यता से ही आगे बढ़ेगा। उन्होंने देवताओं से राजा की बजाय कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया। पांचवी सी, शिव कहते हैं कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करो। शिव को सृष्टि का पहला अघोरी माना जाता है। अघोरी का अर्थ है जो सौम्य है, घोर नहीं। इसीलिए शिव कहते हैं कि कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। जैसे वो देवताओं की रक्षा करते हैं, दैत्यों को भी उन्होंने वैसे ही वरदान दिए हैं। शिव सिखाते हैं कि हमें अपनी नजर हमेशा समान रखनी चाहिए। तो इसीलिए किसी भी प्राणी को उसके कर्मों से आके, उसकी दिखावट, उसके अंदाज से नहीं। तो ऐसी ही और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।